हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं गुण सरकार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप विजिट करें कॉन्फिडेंस पॉइंट पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे। दोस्तों, इस चैनल्स पे हम आपके लिए लाते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, आपके बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्लस इसके साथ आपको क्लास 11th 12th 9th 10th में फिजिक्स एंड मैथ्स के वीडियोस भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। उसके साथ बहुत सारे तमाम रिसोर्सेज मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो ये जो चैनल्स है, ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस चैनल को अपने दोस्तों या शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बोर्ड MP बोर्ड ने अपना जो टाइम टेबल है वो रिलीज़ कर दिया है। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन आपका जो रिलीज़ हुआ है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 को जो है इन्होंने रिलीज़ किया है। ठीक, इन्फॉर्मेशन बाद में मिला मुझे तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है उसका जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो मध्य प्रदेश बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो प्रातः 9:30 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। ठीक है न, और मूकबधिर जो छात्र हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए जो है परीक्षा जो है वो दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच में होगी। तो आपके मन में ये उत्सुकता हो रही है कि तो पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपका जो पेपर है क्लास 11 एंड 12 का, वो 2 और 2 और 3 मार्च से वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर हाई स्कूल का टाइम टेबल है, क्लास 10th का टाइम टेबल है। ठीक है, परीक्षा है 9 से 12 बजे के बीच में आपकी टाइमिंग है। देखिए यहाँ पे आपका जो पहला पेपर है वो 3/3 को है, 3/3/2020। द्वितीय और तृतीय भाषा है, सामान्य सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज है, संस्कृत का पेपर है। इसके बाद आपका 5 को है, NSQF का पेपर है, के समस्त विषय जिसमें भी होंगे। इसके बाद 7 को आपका सोशल साइंस है, 9 को तृतीय भाषा जो है आपकी उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी है। ठीक है, इसके बाद 12 को है आपका गणित का है, 16 को है आपका 15 का, मतलब मेजर जो सब्जेक्ट्स है आपके वो 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, इसके बाद आपका द्वितीय और तृतीय भाषा है इंग्लिश का होगा विज्ञान के बाद, फिर विशिष्ट भाषा होगा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी आपने चूज़ किया होगा उसका एग्ज़ाम है। ठीक है, और इसके बाद 27 को आपका तृतीय पेपर है, सामान्य पेपर है, हिंदी का जनरल लैंग्वेज है। तो ये आपके 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और आपके 7 को यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है। इसके साथ ही जो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं कि नियमित परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा उनके विद्यालय में 12 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य, अस्वाध्यायी छात्रों की प्रयोगिक परीक्षा उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र में दिनांक 7 मार्च से 31 मार्च के मध्य संचालित की जाएंगी। ठीक है, इसके साथ आपका जो मतलब प्रयोगात्मक परीक्षा है उनके भी डेट्स यहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो बाकी सारे जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे निर्देश पढ़ लेना। यहाँ पे हम क्लास 12th की हम बात करते हैं, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं क्लास 12th, इनके जो एग्ज़ाम्स हैं इनका भी एग्ज़ाम 9 से 12 के बीच में होगा, 9 से 12 तक होगा, बीच में नहीं सॉरी। और आपकी जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 2/3/20 से, मतलब 2 मार्च से आपका स्टार्ट हो रहा है। पहला भाषा सब्जेक्ट का है हिंदी का है। ठीक है ना, वोकेशनल के छात्रों सहित जो भी है आपका यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें गणित की और फिजिक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो फिजिक्स का एग्ज़ाम है वो 13 को होना है। ठीक है ना, फिजिक्स, हिस्ट्री, व्यवसाय, बिजनेस स्टडीज़ ये आपके होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम है। ठीक है ना, राजनीति शास्त्र है, कला है, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आपको आपका 28 को है, इसके बीच में आपका मैथमेटिक्स का है, हायर मैथमेटिक्स है, देखिए 23 को आपका एग्ज़ाम है, बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है ना, सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पे देख लेना। ठीक, इसके बाद दिव्यांग जो छात्र हैं उनका भी इन्होंने टाइम टेबल शेड्यूल दिया है, 1 से 4 बजे के बीच में उनका एग्ज़ाम होगा, 1 बजे से स्टार्ट होगा, 4 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा। तो आपका भी यहाँ पर डेट शीट दे रखे हैं, तो आप जो है ये डेट शीट उनके वेबसाइट्स पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या इनका PDF लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोटिस पढ़ सकते हैं, जो भी है आप इसमें इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय।